सो हे गाइज, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी के लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सिंपली वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को करना है क्या है, पहले आप सभी को अपने इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके यहाँ पे पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद एड फोटो में जाके आपको अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइज, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो की लिंक दे रखी है, आप दोनों को देख के आराम से इजिली बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो गाइज, चलिए आगे का स्टेप क्या है मैं आपसे बताता हूँ। तो पहले आप सभी को ये जो आपको ऊपर एंजल वाला जो रिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे आपको अपने मॉडल का लगा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाके आपको एक क्लाउड का पीएनजी लेना है। एंड एक क्लाउड का पीएनजी जो आप सभी को गाइस अपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेने के बाद आप सभी को करना क्या है, पहले मैं इसको यहाँ पे सिंपली ऐसे इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो गाइस, आप साइज़ को थोड़ा मतलब कि गाइस मेंटेन करके रखना, कि मतलब कि ज़्यादा छोटा बड़ा मत कर देना। एंड देखना कि आपके जो मतलब कि हैंड है उसका उसमें टच ना हो। एंड इतना करने के बाद आप सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपसे करना क्या है, एड फोटो में जाके आप सभी को एक मास्क का पीएनजी मिलेगा गाइस, ठीक है। तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। सो उसको ले लेना है। एंड इसको अब मैं पहले रोटेट कर लेता हूँ। तो उसका रोटेट कर लेने के बाद आप सभी करना क्या, आपको सिंपली अपने फेस के पास ऐसा लगा लेना है। एंड आप सभी को इसको ट्रांसपेरेंट करना कैसे है वो भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगा। तो गाइस, आप सभी को करना क्या, पहले आपको इस तरीके से अपने फेस पर लगा लेना है। तो गाइस, ये मास्क मेरे को मतलब थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ है मिला है, तो मैंने इसके लिए थोड़ा मैंने मतलब कि आपको वीडियो में बताया कि कैसे आप सभी को इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट टूल में जाकर आप सभी को सिंपली पहले इधर से इरेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इरेज कर देते हैं। एंड उसके बाद ये अभी थोड़ा यहाँ से परफेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करना है आप सभी को, इरेजर टूल में जाना है वापस से। पहले मैं इसको थोड़ा और रोटेट करता हूँ, तो पहले इसको यहाँ कर लेता हूँ। एंड इरेजर टूल में जाकर आप सभी को जो वेस्ट पार्ट दिख रहा है आप सभी को बाहर का, तो आपको इसके सर्कल टाइप में करना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने किया है ऐसे कर लेना आप सभी को भी। एंड ऐसा डन कर देना है। एंड उसका इसकी ब्लेंडिंग मोड है जो गाइज आप सभी को सारी एक एक ब्लेंडिंग मोड को चेक कर लेता हूँ पहले मैं, कि कौन से में मतलब बेस्ट लग रही है। तो ये ओवरले में एक बार इसकी ओपेसिटी को बढ़ाकर देखता हूँ, तो ये थोड़ी बेकार सी लग रही है मेरे को, तो मैं इसको एक बार और ब्लेंडिंग मोड की चेंज करते हैं, डार्क में मल्टीप्लाई स्क्रीन करते हैं, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी को हम कम करते, तो देखिएगा ट्रांसपेरेंट मास्क हमारा लग रहा है यहाँ पे, तो हम इसको स्क्रीन रखेंगे, ठीक है। एंड इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे। एंड इरेजर टूल में जाके जो ये साइड का जो हमारी ये, इसको हम पहले यहाँ से इरेज कर देंगे। एंड यहाँ पे हम ब्लैक कलर का वो लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डन करते हैं। एंड यहाँ से हम जाएंगे उसमें ड्रो टूल के अंदर। तो ड्रो टूल में जाने के बाद आप सभी को करना क्या है, ड्रो टूल में आप सभी को पहले इस पे जाना है ब्रशेज में। एंड हार्ड वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसकी ओपेसिटी को आपको अराउंड 5-6 तक रख लेना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि मतलब कि कहाँ पे मतलब कि ज़्यादा बड़ा साइज़ हो तो नहीं जाता है, अगर होगा तो हम उसको हम छोटा कर लेंगे वापस। तो ऐसे जूम करके आप सभी को सिंपली आराम से एंड यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को पेंट करना है। तो गाइस, साइज़ मेरे को थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो हम यहाँ से पहले इसको इन्वर्ट करते हैं। एंड यहाँ से हम थोड़ा साइज़ को हम 3 तक रखते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ करने देने के बाद एक पेंट हम यहाँ करेंगे। सो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो उसको मैं थोड़ा एक बार और करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पेंट करेंगे, आराम आराम से करना गाइस, क्योंकि मतलब मेरे को तो काफ़ी टाइम लगा, मैंने वीडियो कट भी कर दी अभी इसमें बीच में, तो मैंने मतलब कि अभी आपको भी मतलब मैं बता दूँ, थोड़ा टाइम देना। एंड उसके बाद जाना आप सभी को रिजल्ट में, ठीक है। इरेजर टूल में जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप पहले इसकी साइज़ को आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ से हम सेट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से मतलब कि पूरा इरेजर इसका साइज़ को छोटा कर लेते हैं थोड़ा इरेजर टूल के, है। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा रखते हैं 5-6 तक, ठीक है, 4 तक रख लिया। एंड उसके बाद हमें ऐसे इस तरीके से इरेज करना है कि मतलब कि मास्क हमने लगा ही रखा है ऐसा लगना चाहिए ना, तो हमें पहले इस तरीके से इरेज कर लेना है। एंड एक यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से ब्रश चला लेते हैं और ये इस साइड से, ओके। सो यहाँ तक हमारा काम तो हो चुका है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या करना है, आप यहाँ से पहले फोटो का करते हैं डन, ओके। सो उसके बाद जो गाइस हमें रिंग हमारी जो रिंग है ऊपर जो एंजल रिंग, उसको आप सभी को दिख रहा होगा कि इसमें जो हमारी रिफ्लेक्शन है वो हमारे हेयर्स के ऊपर भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जाएंगे टूल्स में एंड यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जाएंगे हम रिजल्ट टूल में, इसको इन्वर्ट कर देंगे। एंड इसके बाद ब्रशेज में जाके साइज़ को थोड़ा मेंटेन रखें। एंड उसके बाद हम जूम करेंगे इस तरीके से एंड अपने हेड के पास इस तरीके से ग्रीस करेंगे, पेंट करेंगे, ठीक है। तब पेंट करेंगे तो कुछ हमारे बाहर बाहर के पार्ट में भी आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इरेज कर लेने के बाद आप इसको करना क्या, थोड़ा और हेयर के पास चला लेना है इतना। एंड इसके बाद यहाँ से डन कर देते हैं। एंड इसकी ब्राइटनेस है जो उसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको बढ़ा देने के बाद यहाँ से डन करते हैं। एंड उसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे दोबारा से हम टूल्स में, सॉरी ऐड फोटो में जाएंगे। एंड उसके बाद एक स्मोक का पीएनजी जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो पहले हम उस स्मोक के पीएनजी को ले लेते हैं। तो ये भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से मैं पहले ये स्मोक का पीएनजी को ले लेता हूँ, काफ़ी नीचे चला गया है।
सुबह इसको लेने के बाद आपसे करना है कि पहले इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है एंड उसका ब्लेंडिंग मोड में जाकर उसको स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद सिंपली आपसे को इसको प्रेस करते हुए थोड़ा बड़ा कर लेना है एंड उसके बाद थोड़ी ओपेसिटी हम इसकी बढ़ा देते हैं। तो उसकी ओपेसिटी को थोड़ी और बढ़ाने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से जूम करना है एंड यहाँ पे सेट कर देना है एंड यहाँ से डन। ओके, सो यहाँ से डन कर देने के बाद उसके बाद क्या रहता है हमारा, एक बार डोजेंट बन रह जाता है जो कि हम फेस पे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे फेस पे मास्क लगा हुआ था, तो फेस पे तो करेंगे नहीं पर हम अपनी बॉडी के ऊपर करेंगे। तो यहाँ से हम ब्रशेस में जाएंगे, साइज़ को छोटा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम एक यहाँ पे शोल्डर के पास एंड इस वाले शोल्डर के पास एंड यहाँ पे हैंड के पास इधर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने के बाद इसे डन करते हैं एंड उसके बाद उसकी ओपेसिटी जो हमें कम रखनी है, ठीक है, ओपेसिटी कम रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ से हम डन कर देंगे एंड उसके बाद जो हमारी इसमें कलर करेक्शन है वो कर देंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे एंड यहाँ से सिंपली हम चलेंगे बैक। ओके, सो यहाँ से बैक जाने के बाद आपसे यू करना क्या है, लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है। सो गाइस हमारी फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद क्या करना है आप सभी को, लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, फोटो की कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। हाईलाइट्स को भी बढ़ा देते हैं थोड़ा एंड शेडो को थोड़ा बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं एंड थोड़ा वाइट को भी बढ़ा देते हैं एंड ब्लैक को कम करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, सो हाईलाइट्स को भी थोड़ा मेंटेन करते हैं एंड उसके बाद नीचे वाले टूल में जाएंगे, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, कलर्स में जाएंगे ऑरेंज कलर को लेंगे, सैचुरेशन को माइनस कर देंगे एंड उसके बाद ब्लू कलर में जाएंगे, ब्लू कलर को थोड़ा सा माइनस करेंगे सैचुरेशन को एंड ह्यू है जो उसको हम थोड़ा प्लस की माइनस की तरफ रखेंगे, ठीक है, एंड ऐसे डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लैरिटी को बढ़ा देंगे एंड जो विगनेट है हमें हल्का सा डालना है, ठीक है, हल्का सा विगनेट एंड उसके बाद ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड नीचे वाले टूल में जाना है, अब फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है। ओके, सो उसके बाद नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना है एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देना है। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो उसके बाद जाएंगे हम सिलेक्टिव टूल में एंड उसके बाद जाएंगे हम प्लस में एंड इसके सर्कल वाला लेंगे एंड उसके बाद हम अपनी फेस पे लगाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, कितना हो गया। एंड उसके बाद जो है अभी हम इसको एक बार प्रेस करते हैं, नहीं अब हम दूसरा सर्कल लेंगे, यहाँ से पहले हम इस पर क्लिक करेंगे दोबारा प्लस पे एंड इसके बाद यहाँ से सर्कल लेंगे एंड यहाँ पे यूँ उसी फेस के पास एंड इस पर प्रेस करेंगे इसको कर देंगे इन्वर्ट। ओके, सो उसके बाद उसकी क्लियरिटी को हम बढ़ाएंगे, तो उसको हम 10 तक क्लियरिटी कर देंगे इसकी, 10 and 14 तक, ठीक है। तो इतनी कर देने के बाद यहाँ से डन कर देंगे एंड उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप, तो उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे हम कलर्स वाले ऑप्शन में, कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना इसमें एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को ब्लू टोन की तरफ ले जाना है इसको, ठीक है, इसको प्रेस करते हुए ऐसे ब्लू टोन की तरफ ले जाना है एंड सेकंड वाले पे जाना है एंड इसको भी ऐसे ब्लू टोन की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ से डन कर देना है एंड गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।